हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ 100 ग्राम सूजी लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ 100 ग्राम चीनी लिया है। जितना सूजी रखेंगे उतना ही चीनी भी रखेंगे। और यहाँ पर मैंने 100 ml देसी घी लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 25 ग्राम किशमिश लिए हैं, 25 ग्राम कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, 8 से 9 मैंने यहाँ बादाम लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो ये गर्म हो चुका है, इसके बाद हम इसमें देसी घी रखेंगे। घी के गर्म हो जाने पर हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे। सूजी के रखने के बाद हम इसे तुरंत मिला लेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई से चिपक जाता है। घी के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमें इसे लगातार भूनते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ मिनटों के बाद इसमें कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे इसका कलर चेंज होते जाएगा, इसका मतलब है कि ये फ्राई होता जा रहा है। इसी तरह हमें इसे 8 से 10 मिनट तक लगभग भुनना है। तो यहाँ पे सूजी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी को भी हमें सूजी के साथ अच्छे से मिला लेना है। और जब चीनी मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे ताकि इसमें थोड़े भी लम्स ना हो। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई लम्स नहीं बचा है। जैसे जैसे अब इसमें उबाल आना शुरू होगा, वैसे ही इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। इस स्टेज पे आके हम इसमें किशमिश रखेंगे। किशमिश के बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल रख लेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हलवा का टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। तो फाइनली यहाँ पे सूजी का दानेदार हलवा एकदम बनकर तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। इसको बनाना देखा ना आप लोगों ने, कितना आसान है। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए और आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप सूजी का हलवा बनाकर ज़रूर दे सकते हैं। वाकई में दोस्तों, ये सभी लोगों को पसंद आता है, तो आप किसी भी मेहमान को इसे ज़रूर परोस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे प्लेट में सर्व और गार्निश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे फिर से एक बार नारियल, किशमिश और बादाम से गार्निश कर लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हलवा कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई रेसिपी के साथ।